सो गाइज, व्हाई 80% पीपल फेल एंड 20% पीपल पास, क्यों होता है ऐसा? ज्यादातर आपने सुना होगा 80-20 रूल, और 80-20 रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें काम करती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है। लेकिन गाइज एक चीज याद रखना, ये 80-20 नहीं, अगर सक्सेस रेशियो में जाए तो हम ये 95 हो जाता है, ठीक है। 95% पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और 5% जो लोग होते हैं वो पास हो जाते हैं। वाई इसका कारण आज मैं आपको बताऊंगा, और भी काफी चीजें आपको क्लियर करूंगा कि क्यों ऐसा होता है, और इवन एक और चीज क्लियर करूंगा कि जो इंडिया से जो लोग मेरे साथ बिल्डर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उनमें से गाइज अभी तक 40% जो लोग हैं वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें जो 60% लोग हैं वो अभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं, इवन वो फाइट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, और एक और चीज़ और क्लियर करूंगा, जो तीसरी चीज़ है दैट इज कॉल्ड फ्री एंड पेड। ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो बिल्कुल भी रियल है, बिल्कुल ही रियल है, बिल्कुल ही रियल रियल स्टोरी है ना। ये किसी भी क्या बोलते हैं वो आता है ना हेडलाइन लाइक दैट, कि किसी भी उस घटना पे, काल्पनिक घटना पे आधारित नहीं है, ये बिल्कुल ही एक रियल स्टोरी है। तो क्या होता है गाइस, दो दोस्त होते हैं वो काम करने जाते हैं, ठीक है, काम ढूंढने जाते हैं। तो पहला जो दोस्त होता है वो अपने घर का इकलौता लड़का होता है, लेकिन जो दूसरा लड़का होता है वो क्या होता है, वो अब उसके एक और भाई रहता है, मतलब दो भाई रहते हैं उन लोग, ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दिन जाते हैं जंगल में काम करने। तो गाइस जंगल में ये जब काम करने जाते हैं, काम ढूंढते हैं, तो ये जाते हैं और उनको एक आदमी मिलता है, एक लकड़हारा बेसिकली मिलता है। तो वो लकड़हारे से बोलते हैं कि भाई आप मुझे कुछ काम दे दो हम दोनों को, तो हम आपके लिए कुछ काम कर दें और आप इसके बदले हमें पैसे दे देना। तो क्या होता है, वो दोनों जो रहते हैं उनको बोलता है लकड़हारा कि नदी के उस पार जाना है और उस पेड़ की लकड़ी काट के लेके आना है, उस पार कोई लकड़ी होती है उसको काट के लेके आना है। तो जो पहला लड़का रहता है जिसका एक और भाई रहता है, तो वो क्या करता है, वो जाता है बोट से। लेकिन जब वो जाने वाला रहता है, उससे पहले लकड़हारा बोलता है कि नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, उस तरफ पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पहला जो चीज यहाँ पर आता है वो दैट इज कॉल्ड कि परेशानी, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है उस तरफ जाने में, ठीक है। ये आप याद रखना इस पॉइंट को, मैं आपको बाद में इसको बताऊंगा। तो परेशानी, तो वो लड़का बोलता है नहीं नहीं मैं कर लूँगा, ठीक है। उन क्योंकि उन दोनों को पैसे की ज़रूरत रहती है, उनको घर में ले जाके पैसे देने रहते हैं, बेसिकली उनका घर इन पैसों से चलता है। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं कर लूँगा, जिसका एक और भाई रहता है, राइट, ये उस ये अभी जा रहा है। तो बोलता है मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। तो ये बोट उठाता है, जो नाव रहती है टिपिकल नाव, यू नो वुड की जो नाव रहती थी पहले, तो वो उठाता है और वो उस तरफ जाने लगता है। लेकिन क्या होता है, बार बार बहाव आता है और वो जो बोट रहती है वो दूसरे दिशा में जाने लगती है। फिर वो ट्राई करता है, फिर बोट आता है, फिर वो दूसरी दिशा में जाने लगती है। ऐसे वो कई बार ट्राई करता है, लेकिन बार बार जो बहाव रहता है पानी का, वो बार बार उसको दूसरी दिशा में भेज देता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो क्या करता है, वो थक जाता है और वो वापस अपनी बोट को रिटर्न लेके वापस आ जाता है किनारे पे। यहाँ आता है, वो दूसरे दोस्त से बोलता है कि दोस्त पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और लगता है उस तरफ जाना इम्पॉसिबल, आई थिंक ये इम्पॉसिबल ही है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो फर्स्ट लड़का रहता है उसको पता रहता है कि मुझे तो करना है, क्योंकि मुझे जाना है घर पैसे लेके। तो फिर वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं तो जाऊंगा, कुछ भी करना जाऊंगा, बहुत जिद करता है, लेकिन वो उसको जाने नहीं देता है बार बार। लेकिन वो बहुत जिद करता है, प्रेशर डालता है, बोलता है मैं जाऊंगा, फिर उसको जाने दिया जाता है। फिर वो जाता है बोर्ड पे और वो बोर्ड पे एक बार ट्राई करता है, दो बार ट्राई करता है, तीन बार ट्राई करता है, लेकिन बहाव से बार बार मार खाते रहता है और बार बार उसकी बोर्ड पीछे आती रहती है। लेकिन एट द एंड वो उस ना उस पूरा जो वो है रिवर है उसको पार करके उस तरफ चल जाता है और लकड़ी काट के लेके आ जाता है। अब क्या होता है, इस बीच में वो पूछता है लकड़हारा कि इसने भी ट्राई किया जबकि ये तेरे से बड़ा है, मतलब वो जो दूसरा जो दूसरा दोस्त रहता है वो उससे बड़ा रहता है और ये जो रहता है छोटा रहता है। तो वो बोलता है ये तेरे से बड़ा है, मतलब इसके पास ज़्यादा ताकत है, मजबूत है, ज़्यादा सोचने समझने की समझ है, लेकिन ये उस पार नहीं जा पाया और तू उतने ही बहाव में उससे छोटा है और उस पार कैसे चलेगा, लकड़हारा पूछता है। तो लकड़हारा को वो एक छोटा सा आंसर देता है कि देखो चाचा कि ये जो है इसके घर में एक बंदा और है कमाने वाला, लेकिन मेरे घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। तो यही आपको गाइस आंसर मिल गया होगा कि अगर आप
जब मतलब आपको पता रहता है कि ये नहीं तो कुछ नहीं, तो आप पूरी अपना जान लगा के काम करते हो और वहाँ आपको मतलब हासिल होता है, सफलता हासिल होती है। तो यही गाइस कारण है आपके हारने का और दूसरों के जीतने का। आप क्या सोचते हो, आप फ्री में काम कर लोगे? लेकिन यहाँ लॉजिक देखो, ये माइंड जो है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ से आप मतलब ये ऐसी पावरफुल चीज़ है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस पावर से आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब आप क्या करते हो, आप तो मैं फ्री में इसको प्रमोट करता हूँ, तो आप क्या होता है, आपके दिमाग में फ्री आ जाता है। जहाँ फ्री आ जाता है तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ लूज भी कर दूंगा तो मैं कुछ खो नहीं रहा। आपका ये जो चीज़ है, ये जो सिस्टम है, ये पूरे तरह से काम नहीं करता आपके साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे पैशन और अटेंशन के साथ काम नहीं करता। और वहाँ आप लूज कर जाते हो क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही आ चुका है, यहाँ मैं कुछ लूज नहीं करने वाला हूँ, ये मेरी आखिरी मतलब आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस टाइप का आपके माइंड में फोकस नहीं करता, हिट नहीं करता, तो वहाँ आप इनसेन फेल हो जाते हो। लेकिन अगर आप वहीं कहीं इन्वेस्ट करते हो, जैसे आपने $50 बिल्डर के इन्वेस्ट करते, तो आपको पता है इन 30 days आई एम गोइंग टू लूजिंग द बिल्डर, तो आप वहां मैक्सिमम एफर्ट लगाते हो, एक बार फेल हो गए, दूसरे बार फेल हो गए, गारंटेड आप 60 days अगर एफर्ट लगाते हो बार 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 बार, यू आर गोइंग टू विन किसी भी काम के लिए। तो वहां आपको पता है कि मैंने पैसे लगाए हैं, मैं लूज कर दूंगा, मेरे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास लास्ट एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मैंने ये कर दिया मैं हार जाऊंगा। तो पूरा गेम उस पर डिपेंड करता है आपका माइंडसेट पे, कि माइंड कैसा है। वो एक लौता छोटा लड़का जब वो कर सकता है तो यू कैन डू एनीथिंग। तो हमेशा याद रखो, फ्री की चीज़ों पे मत जाओ, फ्री की चीज़ों से भी वैल्यूएबल नहीं होती हैं। आपका टाइम अगर चले जाएगा तो वो टाइम वापस नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपका पैसा जाएगा तो वो पैसे आप बार बार फिर कमा लोगे। तो इसीलिए गाइज मैं बोलता हूँ कि हिट करो दिमाग को, अपने माइंडसेट को क्लियर करो, पॉजिटिव रहो और ऐसे काम करो जहाँ आप पूरा एफर्ट और पूरा फोकस लगा सको और वहाँ से आप जीत सको। गाइड मैं करूँगा, जीतोगे आप, इट्स माई प्रॉमिस। अच्छा लगा हो तो पीछे नीचे लाइक करना, बहुत बहुत लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव लोगों के साथ भर भर के शेयर करो और सबको बताओ कि यू कैन डू एनीथिंग एनीथिंग एंड एनीथिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। जय हिंद।